तो भाई 5 अगस्त को हमारा सॉन्ग संबलपुरी साड़ी रिलीज होने जा रहा है और मैं चाहता हूं कि आप सब उस सॉन्ग को ढेर सारा प्यार दो, ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हम अपने नेक्स्ट सॉन्ग भी जल्दी से जल्दी लेके आए। तो भाई ये तो हमारा सॉन्ग था जो कि आप सबके लिए ही डेडिकेटेड है, जिसका नाम है संबलपुरी साड़ी। और इसके बाद हम नेक्स्ट सॉन्ग लाने वाले हैं, एक दूसरा सॉन्ग है जो है सैड सॉन्ग, जिसका नाम अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। तो इसलिए भाई इस सॉन्ग को, संबलपुरी साड़ी सॉन्ग को, जो कि 5 अगस्त को रिलीज होने जा रहा है, उसको ढेर सारा प्यार देना, ताकि हम नेक्स्ट सॉन्ग भी जल्दी ही लेके आए। तो बस इस वीडियो के थ्रू मैं यही कन्वे करना चाहता था, यही बताना चाहता था, जो कि हमारी वीडियोस डेली देखते हैं उनके लिए ये एक मैसेज था। तो भाई अब आप ये वीडियो देख सकते हो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं एक वीडियो के ऊपर, जिसका नाम है ललिता साहू पुजारी गुड़ा लेडीज कीर्तन। तो बस आज के इस वीडियो में हम इसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। भाई ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम इस लेडीज कीर्तन के ऊपर जाकर रिएक्शन करें, तो बस आज की वीडियो में हम इसी कीर्तन के ऊपर जाकर रिएक्शन करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगेगा तो वीडियो क्या करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और जिस जिस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो वहां पर आप ज्वाइन का बटन आ गया होगा, तो भाई ज्वाइन का बटन जरूर से दबाना और अपने चैनल को सपोर्ट जरूर से करना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के सबसे टॉप पे मैंने न्यू चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलो आप जल्दी से जाते हैं स्क्रीन पर और रिएक्ट करते हैं इस लेडीज कीर्तन के ऊपर क्या आखिर क्या है। तो चलो 1 2 3 गो।
था कीर्तन, और इस कीर्तन में क्या था कि वही मतलब शायद से कीर्तन इसमें क्या किया जाता है, देखो मेरे हिसाब से मैंने जो जितना ऑब्जर्व किया मेरे हिसाब से तो ये है कि जो ये कीर्तन होता है ये एक तरह का ना मेडिटेशन होता है जिसमें लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड विष्णु जी को वो किया जाता है। ये शायद से एक स्टार्टअप भी हो सकता है कि एक गाना या भजन लगाने से पहले वो एक बोलते हैं ना कि स्टार्टअप करना, तो हरे कृष्णा हरे रामा बोलकर ये एक अपना स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि जैसे ही स्टार्टअप हुआ वैसे ही लोग श्रद्धालु आए, उन्होंने वही पूजा की और मतलब कि वो फेरे लगाए हमारे में, तो फेरे ही बोलते हैं क्या बोलते हैं, और जिस जो भी चढ़ाना हो नारियल वगैरह वो चढ़ा रहे थे वहां पर। और मुझे ना एक और चीज बड़ी अच्छी लगी कि जो भी चीज है ना एक कार्यक्रम जहाँ पर करना होता है ना लोगों के मतलब कि जो संगीत जो गाते वगैरह है उनके लिए एक बिल्कुल बनाई होती है और बीच में बिल्कुल मतलब एक मंदिर सजाया होता है जिसके अंदर भी वो बिल्कुल बंद होता है और वहां पर एक वही रख लो कि एक प्रॉपर तरीके से पंडित जी होते हैं वो सब कुछ करवाते हैं, तो मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी है कि ज्यादा वो भीड़ भाड़ वाला लगता नहीं है और काफी अच्छे से हम ये एक परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो भाई काफी मजा आया इसको देखकर। और मैंने वही बोला कि ये एक मेडिटेशन हो सकती है क्योंकि एक मेडिटेशन के तौर पे लिया जा सकता है, क्योंकि देखो जब भी इंसान दुखी होता है या मन अशांत होता है तो हमेशा लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड विष्णु जी का ही नाम जपते हैं क्योंकि वो हमारे पालनहार है जगन्नाथ जी। तो भाई काफी खूबसूरत वीडियो होती है क्योंकि कल्चरल अभी धीरे धीरे इंडिया से ना मॉडर्न उसमें जा रही है, लेकिन ऐसे जो ये चीजें देखकर ऐसा लगता है कि नहीं यार अपना कल्चर अभी भी यहाँ पर स्टेबल है, अब बुरे लोग नहीं जा रहे हैं, वो बोलते हैं कि वेस्टर्न साइड नहीं जा रहे हैं, तो भाई काफी अच्छा लगता है कि नहीं यार अच्छी बात है। और हमने इससे पहले एक और कीर्तन देखा उसमें क्या है कि लोग आ रहे थे और पैसे चुका थे, इसमें ऐसा नहीं दिखा अभी है ना, अभी नहीं दिखा। तो बाकी यार काफी कुछ अलग अलग देखने के लिए मिलता है, अलग अलग लोग देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलते हैं जो काफी ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब कुछ सवाल भी होता है यार, और सही में सवाल भी आते हैं जिनका जवाब आप दे देते हो, तो भाई ये वीडियो देखकर तो काफी मजा आया और बाकी भी भाई रश भी हो गया भाई। और आप सब बता देना कि भाई आप सबको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज की अब सब यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगेगा तो वीडियो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो वहां पर आप ज्वाइन का बटन आ गया होगा तो ज्वाइन का बटन जरूर से दबाना, और अपने चैनल को सपोर्ट जरूर से करना। साथ साथ डिस्क्रिप्शन के सबसे टॉप पे भाई हमने न्यू चैनल का लिंक दिया हुआ जिसका नाम है स्नैपी शोज, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।